परेशान क्यों हो, क्या बात है? अरे क्या बताएं भैया, इस साल फसल को ठीक से नहीं हुई, अब क्या करेंगे, कैसे गुजारा चलेगा? क्या करें भैया, हम किसानों की किस्मत ही ऐसी है। अरे अरे बच्चों, चिंता मत करो, हमारे पास एक ऐसा साथी है जो सदियों से काम आता रहा है और हम उसे भूल गए। कौन बाबा? बांस, यह पुराने जमाने से हमारी जिंदगी का हिस्सा है। क्या तुम नहीं जानते, गांव के पुराने घर, मछली के छाल सब बांस से बने हैं। लेकिन बाबा, बांस की फसल करने में हमें क्या फायदा, यह कोई खाने की फसल तो है नहीं। फायदा ही फायदा है काका, आज हमारे विद्यालय में बांस दिवस मनाया गया और हमको बांस के बारे में समझाया गया। हाँ, बांस की तरह की घासी तो है और इसका पौधा बहुत तेजी से बड़ा भी होता है और इसे काटने से जमीन खराब भी नहीं होती बल्कि और अच्छी होती है। हाँ, बांस हमारे पर्यावरण को बचाता भी है, वो हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है और हमें शुद्ध हवा प्रदान करता है। बिल्कुल काका, हाँ हाँ, और तो और आजकल बाजार में बांस के बने हुए फर्नीचर, खिलौने और घर की सजावट की चीजों की भी बहुत मांग है। अगर हम बांस की खेती करें और ये सब चीजें बनाकर बेचें तो हमारे गांव की गरीबी मिटेगी और काफी लोगों का गुजारा भी चलेगा। तुम सही कह रहे हो बच्चों, हमें बांस के पेड़ों की रक्षा करनी होगी, अधिक से अधिक बांस लगाने होंगे। बनाएंगे, धन्यवाद।